क्षमा करें महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ। मैं जानता हूँ मुंजा, तुम उस ब्राह्मण के विषय में जानना चाहते हो ना? जी। उसके लड़के का विवाह है और मैंने सेनापति को वहाँ कड़ा पहरा लगाने के लिए क्यों कहा, यही जानना चाहते हो ना? जी महाराज। ये सब एक चुनौती के कारण हो रहा है मुंजा, जो मैंने वर्षों पहले स्वीकार की थी। कैसी चुनौती महाराज? सुनो, कई वर्षों पहले की बात है, मैं शिकार के लिए गया था। एक आदमखोर शेर ने जंगल के आसपास के गांव में आतंक मचा रखा था। उसे ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। एक कुआं दिखाई दिया, मैं पानी पीने गया और तभी। अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे सुनो सुनो, क्या हुआ? ऐस बचाओ, भागो भागो, शेर शेर, आदम घोर शेर। क्या, कहाँ है? अरे ब्राह्मण देव, आ जाइए, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब ये शेर आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आइए। हे प्रभु, बहुत बचाया, आपने मेरी जान बचा ली। अरे अरे, आप तो हमारे महाराज विक्रमादित्य हैं। महाराज, आपने मेरी जान बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, अपनी प्रजा की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है। आप महान हैं महाराज, इस गरीब ब्राह्मण को अपनी सेवा का अवसर दें महाराज, मेरी कुटिया पास ही है यदि। हाँ, रात होने वाली है, चलिए आज का रैन बसेरा आपकी छत के नीचे ही करते हैं, चलिए। आइए 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 आइए। और उसके बाद मैंने जाकर उस ब्राह्मण के घर में संध्या स्नान किया और भोजन किया। उनका एक नवजात शिशु धननंद था, 3 दिन पहले ही जन्मा था। बच्चे को देखकर मुझे उस पर बड़ा प्यार आया, तभी ब्राह्मण अंदर ही मेरे सोने की व्यवस्था करने लगा, लेकिन मैंने कहा मैं बाहर ही सो जाऊंगा। मेरी हट के आगे ब्राह्मण देव को हार माननी पड़ी, बस फिर मैं सो गया। ऐसा क्यों लगा कि यहाँ कोई आया था? हाँ, दरवाजा तो बंद है, तो हाँ, कौन हो तुम और इस तरह से? घबराइए नहीं महाराज विक्रम, मैं भाग्य देवी हूँ, उस नन्हे बालक का भाग्य लिखने आई थी। भाग्य? अच्छा अच्छा, लगता है आप भाग्य को नहीं मानते। भाग्य? भाग्य कर्म से बड़ा नहीं होता। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, यदि आप समझते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता तो ठीक है। वैसे आपने उस बालक धननंद के भाग्य में क्या लिख दिया? इस बालक का जिस दिन विवाह होगा उस दिन सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? नहीं नहीं, आप इतनी क्रूर नहीं हो सकती। महाराज, ये मेरा नहीं भाग्य का लेख है। ठीक है, तो सुनिए,
मैं इस भाग्य के लेख को मिटा दूंगा, बदल दूंगा मैं। ये तो समय ही बताएगा। बस उसके बाद मैंने ब्राह्मण से कहा कि अपने बेटे के विवाह की सूचना मुझे अवश्य देना, और अब वो दिन आ गया है जब मुझे अपनी चुनौती को पूरा करना है। ठीक है महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलो।